नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलागवानी। मित्रों, कोरोना काल में कोरोना से तो हम जूझ ही रहे हैं, इस दौरान एक और नई चुनौती हमारे सामने आ गई है और वो है भारत चीन विवाद की। भारत भारतीय सीमा पे कुछ दिन पहले जो है भारत और चीन सीमा पे जो सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी उसमें करीब 20 सैनिक भारत के मारे गए थे। चाइना के कितने सैनिक मारे गए थे अभी इसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जो वहाँ के जो अखबार हैं ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने जो कई बार कभी 40 बताया, कभी 20 बताया, कभी कुछ बताया, मतलब अभी उसकी बहुत सीधे तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई कि कितना है। लेकिन इस घटना के बाद भारत में चाइना के विरोध में या चीन के विरोध में एक अजीब सा वातावरण तैयार हो गया है। जाति धर्म से उठ के लोग, ऊपर उठ के लोग जो है चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। बात यहाँ तक उठनी शुरू हो गई है कि हमें हर हालत में चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। कुछ अत्युत्साही लोग हैं जिन्होंने चीन के सामानों की होली भी जलाई। तो निश्चित रूप से एक किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर किसी देश को कमज़ोर करना है या उसे जीतना है तो उसे सबसे पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दीजिए। तो चाइना का जो भारत में कारोबार है वो इतना विशाल है कि निश्चित रूप से अगर उसे हम रोक लगाने में सफल हो पाए तो वो बहुत बड़ी हानि होगी चीन की। लेकिन क्या ये इतना संभव है? क्या हम जिस तरह का कारोबार भारत में चाइना का चीन का चल रहा है उस पर क्या हम रोक लगाने में सफल हो पाएंगे, या इतना आसान है? तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों को आपको बताऊंगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज इस वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि चीन से भारत का जो व्यापार है वो कितना है, कितने का व्यापार है और भारत चीन में कितना व्यापार करता है। इसके अलावा अगर आज के आज रोक लगा दें तो चीन का कितना नुकसान होगा या भारत का भी कितना नुकसान होगा, रोक लगाना संभव है कि नहीं है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, तो इसको अंत तक देखिएगा। तो आइए चलें। मित्रों, अपने उत्पादों के जरिए चीन हमारे जीवन में इस कदर रच बस गया है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आप ऐसे समझिए इसको कि पूजा हम करते हैं, एक हिंदू जनमानस जो है भगवान की पूजा करती है, उसकी मूर्तियां बनती हैं, उसकी मूर्तियां हम घर लाते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं और जो है उसकी पूजा करते हैं। ये मूर्तियाँ कहाँ से आती हैं? चीन से आती हैं। हमारे जो त्यौहार हैं, आप दीपावली ले लीजिए, दीपावली में जो ऑर्नामेंटल चीज़ें आती हैं जैसे झालर है, पटाखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहाँ से आती हैं? चीन से आती हैं। होली में आ जाइए, जो गुलाल हैं, जो रंग हैं, जो पिचकारियाँ हैं, खिलौने वाली पिचकारियाँ हैं बच्चों की, वो सामान कहाँ से आता है? चीन से आता है। मोबाइल और मोबाइल चिप, इसके अलावा पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी चीज़ें तो चीन से आती ही हैं। हम एक जो छोटी सी चीज़, छोटी चीज़ मतलब जो हम बिजली का सामान खरीदते हैं उसमें जो लपेटने वाला टेप होता है वो तक हम चाइना से खरीदते हैं, या यूँ कह लीजिए कि सुई, एक मार्केट में कहा जाता है कि एक सुई भी हम चीन से खरीदते हैं। तो ये स्थिति है चीन की। अब आप एक अंदाजा, ये एक नज़र डालिए इस पे कि चीन का भारत में कुल कितना कारोबार होता है। चीन का जो 2018-19 का आंकड़ा है उसके हिसाब से भारत में जो चीन का कारोबार है वो 75 अरब डॉलर का है, यानी 5.7 लाख करोड़ रुपए का है। और भारत चाइना में कितना कारोबार करता है? कुल 18 अरब डॉलर, यानी 1.37 करोड़ रुपए का कारोबार करता है। अब इसमें जो कारोबार होते हैं वो क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप इसको देखते जाइएगा, यहाँ लिख के आपके पास भी सामने भी आ रहा है कि मोबाइल, पेन ड्राइव, चिप, ये मैंने पहले भी बताया, त्यौहारों के जो हमारे सारे सामान हैं, मैक्सिमम सामान होली दीपावली, यहाँ तक कि ज्वेलरी, वो भी हम चाइना से लेते हैं। दवाएं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है दवाएं जो है, दवाओं का करीब 70% हम चाइना से मंगाते हैं। जो भारत में जो खपत है या जो दवाएं बेची जा रही हैं उसका 70% हिस्सा हम चाइना से मंगाते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसमें पैरासीटामॉल है, पेंसिलिन है और भी बहुत सारी दवाएँ हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सामान तो ही है, इलेक्ट्रिक है, टेप, बल्ब और एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें हम जो है चाइना से मंगाते हैं। बहुत सारी मशीनरी चाइना से मंगाते हैं जिसमें टायर, मतलब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2017-18 में हमने मशीनरी और टायर में करीब 9,371 करोड़ रुपए का सामान मंगाया था चाइना से, और ये जो है 18-19 में बढ़ के 10,636 करोड़ रुपये हो गया, यानी ये लगातार बढ़ रहा है। सोलर पैनल, जो हमारे यहाँ बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उसका करीब 75% हम चाइना से आयात करते हैं। इसके अलावा खाद, पेस्टिसाइड, मतलब कृषि से जुड़े जो चीज़ें हैं उसका करीब 50% से ज़्यादा हम चीन से मंगाते हैं,
यानी एक अनुमान बता रहा हूँ आपको कि 2017-18 में 6,912 करोड़ रुपए का कारोबार चीन में हुआ था और ये 18-19 में 14,412 करोड़ तक पहुँच गया, यानी कि तकरीबन जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया ये कारोबार। तो किस कदर ये कारोबार बढ़ रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक, लेदर, इन सब चीज़ों को तो हम चीन से मंगाते हैं, यानी इसको एक शब्द में कहें तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 60% सामान चीन से मंगाता है और हम बेचते कितना है, केवल 6-8%। अब सोचिए इस कदर चीन हमारे इसमें हमारे जीवन में रच बस गया है। तो अब इन सब चीज़ों पे अगर अचानक रोक लग जाए तो क्या होगा। बिना विकल्प के एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इस पे तुरंत तो रोक लगाना संभव नहीं है, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो दो देशों के बीच में जो संधि होती है या जो लेन देन की चीज़ें होती है वो तय करती है। तो उसके हिसाब से जो उसके नियम हैं उसके हिसाब से मैं इतना आसान नहीं होता किसी भी देश से कारोबार ख़त्म करना तुरंत, तो वो हम तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही तुरंत उस पर हम रोक लगा सकते हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इसके लिए हमें एक लंबी अवधि की योजना बनानी होगी ताकि हम चीन के सामान से जो हमारी निर्भरता है उसे कम करना पड़ेगा। अब ये निर्भरता कैसे कम होगी, तो अब ये पहले ये जान लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि निर्भरता कैसे कम होगी, कि चीन का सामान हमारे यहाँ इतना लोकप्रिय, इतना ज़्यादा जो है क्यों इसने मार्केट बना ली। और चीन में, चीन ने हमारे यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन का जो उत्पाद होता है वो हमारे यहाँ बहुत ही सस्ता होता है। आपको एक जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर थे, पहले सामान बनाते थे, उन्होंने सामान बनाना बंद कर दिया और वो चीन से ही सामान खरीद के लाते हैं और अपने यहाँ असेंबल करवा के उसे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उनका था वो बंद हो गया, अब वो चाइना के सामान को असेंबल करने लगे। तो इस तरह जो है हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमें इसके लिए एक विकल्प चाहिए। जब तक विकल्प नहीं, और जाहिर सी बात है जो आम उपभोक्ता जो सामान जब बाज़ार में निकलता है, बहुत सारे हमारे यहाँ जो मजदूर वर्ग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बहुत महंगा सामान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये। आज के टाइम पर क्या आप किसी चीज़ को लेके आप जो है ये सोच सकते हैं कि ये सामान इतना सस्ता भी हो सकता है, लेकिन चाइना का सामान उतना सस्ता आपको मिलता है। तो हमारी जो बेसिक तुरंत की जो नीड है वो चीन तुरंत जो है पूरी कर देता है, हमारा जो फुलफिलमेंट है, मतलब तुरंत हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास बजट कम है तो हम वो चाइना का सामान आसानी से खरीद लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल के बाद वो ख़राब होता है, लेकिन जिस समय जो तुरंत की नीड थी हमारी ये उसने पूरा किया। तो अब सवाल यह है कि इसको अगर तुरंत हम ख़त्म कर देंगे तो हमारा नुकसान तो होगा ही, मतलब अगर चाइना का सारा चाइना से कारोबार समेट लें चाइना से सारा, तो निश्चित रूप से चाइना को जो है वो $75 अरब का नुकसान होगा। हमें अगर हम भारतीय जनमानस की दृष्टि से देखें या हम आम आदमी की दृष्टि, आम उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से हमारा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन आर्थिक रूप से हमें थोड़ा कम नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके लिए विकल्प तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, हम आज से ही तैयारी शुरू कर दें, 2 दिन 3 2 साल 4 साल 6 साल, तो अगर हम उसका कोई विकल्प तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके लिए अभी तुरंत के लिए भी कुछ कदम उठा सकते हैं। बहुत सारे देश हैं जैसे वियतनाम है और जो है ताइवान है, किसी ज़माने में ताइवान से इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा लोगों के पास आते थे, यहाँ आते थे और बहुत ज़्यादा लोग देशों में सप्लाई किए जाते थे, अब वो बंद हो गया, अब उन सारी मार्केट पे चाइना ने कब्जा कर लिया। तो हम चाइना को अब तुरंत तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जो है विशेषज्ञ हैं उनकी ये राय है, वो एक सुझाव देते हैं कि अगर हम इस तरह कर सकें कि जो उत्पाद कर है, जो कस्टम ड्यूटी है, अगर हम वो चाइना के सामान पर बढ़ा दें और दूसरे देशों से जैसे वियतनाम है या फिर जो है ताइवान है, यहाँ के सामानों से भी जो है वो ड्यूटी है वो कम कर दें, तो उनके सामान सस्ते हो जाएंगे और चाइना का सामान महंगा हो जाएगा। तो चाइना का सामान महंगा हो जाएगा तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे, फिर वो वियतनाम का सामान खरीदेंगे। लेकिन चाइना का सामान कैसे जो है, अब आज देखिए आज की हालात ये है, हम किसी भी दुकान पर पहुँच जाएँ और हम कोई सामान मांगते हैं तो व्यापारी हमसे ये नहीं पूछता कि भैया चाइना वाला सामान चाहिए या आपको जो है भारत का सामान चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के पास विकल्प ही नहीं है, उसका विकल्प भारत ने उपलब्ध नहीं किया है, भारत ने जो है उस तरह का सामान बनाया नहीं है। तो वो जानता है कि एक ही सामान इनको चाहिए और वो चाइना का सामान चाहिए, तो वो चाइना का सामान हमें उठा के देता है और हम बहुत हंसी खुशी उसे ले आते हैं घर पर, वो यूज कभी करते हैं। तो हमें सबसे पहले विकल्प तैयार करना होगा, जो सामान भारत विदेशों में भी भेजता है वो के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी उसे जो है चाइना से मंगवाना पड़ता है। तो मित्रों
इतना आसान नहीं है चाइना के सामान का तुरंत बहिष्कार करना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर हम थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, थोड़ा सरकार ध्यान दे और थोड़ा सा व्यापारी वर्ग जो है, जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी यूनिट फिर से शुरू करें। थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन धीरे धीरे जो है हम इस से निजात पा लेंगे और चाइना पे जो हमारी निर्भरता है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।